फ्रेंड्स वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हमारा सेकेंड डे है मैसूर के अंदर। मैं भी थोड़ा टाइम हुआ उठा, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, बहुत नींद आ रही थी। कल खाना भी बहुत हेवी हो गया था। अभी 9:30 हो रहा है। अभी हम लोग बाहर जाएंगे। हम लोग को आज है ना मैसूर पैलेस विजिट करना है, तो मैसूर पैलेस हम लोग सबसे पहले विजिट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। नाश्ता करना है, भूख लगी है, क्योंकि हम लोग है ना फिर दिन में घूमते रहेंगे, फिर हम लोग को भूख लगेगी, हम लोग जाएंगे नहीं उसकी तरफ, ध्यान नहीं देंगे, फिर हम लोग घूमते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नाश्ता करेंगे, फिर नाश्ता करने के बाद मैसूर पैलेस के पास जाएंगे। तो फिर फटाक से मैं तो रेडी हो गया हूँ ऑलमोस्ट, बस टी शर्ट चेंज करना है, टी शर्ट चेंज करता हूँ फिर जाएंगे बाहर। हम लोग अभी मैसूर पैलेस अभी जा रहे हैं अंदर एंट्रेंस की तरफ। इधर है एंट्रेंस, गाड़ी हमने पार्क कर दी है, अभी वॉक करके जाएंगे, टिकट लेंगे। मास्क इज मैंडेटरी, तो मास्क लगा के ही जाएंगे। अंदर जाने के बाद निकाल सकते हैं, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी जाके टिकट लेते हैं और फिर अंदर जाएंगे। क्राउड उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम लोग जल्दी आ गए, 10 बजे का टाइमिंग है, तो 10 बजे हम लोग आ गए थे इधर। ले लिया है 100 रुपीज़ पर हेड दिया चार्जिंग। पहले 80 रुपीज़ था, वो टाइम हो गया शायद, अभी दिया चार्जिंग 100 रुपीज़। फाइन। और ये एंट्रेंस है यहाँ पे सामने, दैट इज़ पैलेस, ये वाला पैलेस है। अभी जाते हैं हम लोग महल के अंदर, विजिट करते हैं, क्योंकि 1 घंटा हम लोगों को लगेगा अंदर स्पेंड होएगा हमारा, पूरा विजिट करेंगे, फिर बाद में वापस बाहर आएंगे और ये आजू बाजू की चीज़ें ना उनको देख लेंगे। फ़ोटो वोटोस लेने के लिए भी सामने से ना बहुत अच्छा जगह है। यहाँ पे बगैर चप्पल की आपको जाना पड़ेगा, चप्पल अलाउ नहीं है। हम लोग बाय वॉक जाएंगे बगैर चप्पल के, होपफुली कैमरा भी कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। मास वास का सीन तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं बता रहे हैं। तो फ्लोर भी सही है, मतलब वॉक कर सकते हैं अच्छे से, क्लीन रखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मैंडेटरी है तो मास्क लगा के जा रहे हैं अंदर। तो यहाँ पे टिकट दिखाएंगे और आगे अंदर जाएंगे, टिकट दिखा गए यहाँ से। दिस इज़ द एंट्री सेक्शन, तो यहाँ पे एंट्री देके आ गए हैं। और यहाँ पे ना पैलेस का एंट्रेंस है। दिस इज़ द गेट, उन्होंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे ना आपको बहुत सारी चीज़ें दी गई है और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है आपको। अभी मैं बताऊँ तो क्या बताऊँ, ये चीज़ें देखने के लिए बहुत अच्छी है। दिस प्लेस इज अ गोल्डन टेम्पल, मतलब गोल्ड का बना हुआ है पूरा, सामने रखा हुआ है, मैं दिखाऊँगा आपको। सही चीज़ें लगाई है यहाँ पे उन्होंने, एक्चुअली बहुत एंटिक एंटिक पीसेस दिखाई दे रही है यहाँ पे, देखने लायक है एक्चुअली। और जो आर्किटेक्ट है ना यहाँ का, इट्स सो अमेजिंग। यहाँ पे हर जगह पे है ना आपको बहुत सही चीज़ें दिखाई दे रही है। यहाँ पे पुराने पुराने टाइम की जो मूर्तिज थे और स्टैचूज जो उन्होंने जो बनाए थे ना, जैसे कि गॉड की है या कोई दूसरे स्टैचूज अलग हैं, वो है ना बहुत क्वालिटी है, सही दिखने में बहुत खतरनाक दिख रहा है एकदम से। और यहाँ पे गोल्ड का जो है तख्ता जिसको बोलते हैं, जिसके ऊपर है ना वो राजा बैठा करते थे, जो हाथी के ऊपर रखा करते थे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। गोल्डन का जो देखा ना तख्ता, इट इज़ मोर देन 500 kgs, एंड हर दशहरे में ना इसको बाहर निकालते हैं और हाथी के ऊपर रखते हैं, और यहाँ पे ना उसका सेलिब्रेशन होता है दशहरे का। और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब एंटीक सही लग रहे हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं, पुराना वुड है, डोर्स वगैरह, फिर हाथी दांत वगैरह ना बहुत ख़तरनाक बनाया हुआ है। और जो आर्किटेक्ट है यहाँ का, वो तो आउट ऑफ द बॉक्स, वो तो अमेजिंग है। यहाँ पे थोड़ी पेंटिंग्स वगैरह है सेक्शन के अंदर, तो मैं ना दिखाता हूँ आपको कि कौन से पेंटिंग्स है और क्या है। और सामने का जो यार्ड है ये क्या है वो आपको बताऊंगा मैं। तो स्टार्टिंग में गए थे ना, वो ऐसा दिखता है, पुराने टाइम में इस तरीके का दिखता था। यहाँ पे देखो चर्च है और सामने ना लोग खड़े हुए, इस तरीके का दिखता है। Thank you.
इतने सारे नाम है उसके, मैं आपको है ना बता बता के पागल हो जाऊंगा। मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे को भी, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ फोटोज़ वगैरह और पेंटिंग देख रहा हूँ पुरानी, लेकिन यहाँ पे ना उसके आर्टिस्ट का नाम नहीं दिया गया, मतलब किसने बनाया है दीवारों के ऊपर। तो मैं देख रहा हूँ अभी, अच्छे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं फ़ोटोज़ वगैरह। और यहाँ पे पीछे शायद से दरबार है, ये वाला रोड है में जो दरबार वगैरह लगता था ना, शायद ये है, क्योंकि देखने में तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब जिस तरीके से इसको बनाया है और आर्किटेक्ट इसका जो है ना वैसे ही लग रहा है। ये वाला जो फोटो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट बटालियन मैसूर इन्फेंट्री वाला फोटो है। पेंटिंग बहुत खतरनाक दिख रही है इसकी। ये वाला स्कॉटिश बैंड विथ बैकपाइपर्स, ये किंग के फैमिली फोटोज हैं। ये ईयर इन्होंने लिखा नहीं है कौन सा ईयर का है। और ये है वाणी विलास का फोटो, बढ़िया मैरिज फोटो दिखा रहा है ये। क्राउड इंक्रीज हो रहा है और देखने को बहुत कुछ है यहाँ पे, फोटोज वगैरह आराम से अगर आप देखना चाहते हो ना, कम से कम आपको 2 घंटा चाहिए। हम लोग है ना वहाँ से घूम के ना वापस इधर आए हैं, और यहाँ पे भी बहुत सारे ना लगे हुए हैं पेंटिंग्स वगैरह हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है ओपन स्पेस सेंटर में, जो वहाँ से हम लोग होके आए थे ये वाला, और इधर की तरफ आए। ये जो आपको बड़ी छोटी छोटी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है ना, वो टाइम में जो भी फंक्शन वगैरह जो यहाँ पे चलता रहेगा जो भी, तो है ना जो लेडीज़ लोग रहती रहेगी ना, तो वो खिड़कियों से इसको देखा करती रहेगी, क्योंकि करते थे मतलब उन लोग की वेमेंस है ना ओपन क्राउड में नहीं आती थी, तो है ना ऐसी पर्दे के पीछे रहा करती थी। तो अभी जब बाहर जो फोरम में जो हो रहा है तो वो देखना है तो कैसे देखेगी, तो ये छोटे छोटे खिड़कियों का इस्तेमाल करके ना वो देखा करती थी, जो भी चल रहा है फेस्टिवल चल रहा है या जो कुछ चल रहा है जो त्यौहार थे, तो उन लोग के अंदर वो शामिल नहीं हो सकती थी ना, तो है ना ये खिड़कियों के ज़रिए देखा करती रही। इसलिए यहाँ पे जगह नहीं है, बंद है, और यहाँ पे पुरानी लिफ्ट है, ओल्ड टाइम की लिफ्ट है, और यहाँ पे स्टेयर केस है, तो ये लिफ्ट है और ये स्टेयर केस है ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर जाना अलाउ नहीं है, ऊपर जाना बंद है। तो हम लोग भी जाएंगे नहीं, हम लोग अभी यहाँ पे जाएंगे जो राजा का जो सिंहासन था, तख्त था, उसको देखेंगे, तख्त चेयर, देन फोटोज जो बनाए थे वो यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने, वुडम का मिरर वगैरह सब है यहाँ पे। पे ना जो चेयर है वो सिल्वर के चेयर्स हैं, एंड जो फोटो बनाया है ये 3D फोटो है, वो टाइम में बनाया हुआ है, और वो टाइम की टेक्नोलॉजी देखो आप 3D की, जो अभी नहीं है, मतलब अभी तो मशीनों के जरिए चलता है, लेकिन वो टाइम में जो बनाया है ना सुपर। अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ, और थोड़ी बहुत जगह पर उन्होंने ना एंट्री बैन की हुई है, यहाँ पे देखो गेट लगाया हुआ है, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए रास्ता है लेकिन बंद किया हुआ है। ये वाला वैक्स स्टैचू है कृष्णराज वडियार फोर्थ का, और यहाँ पे पुरानी घड़ी।
बस से बाहर आ गए हैं और ये जगह है ना, इट्स कॉल्ड पब्लिक मीटिंग। मतलब यहाँ पे ओडा में पब्लिक मीटिंग हुआ करती थी, मतलब जो उनके लोगों की परेशानियाँ वगैरह रहती थी तो यहाँ पे आके ना वो आते थे राजा के पास। और यहाँ पे जो पीछे साइड में जो दिख रही है मालूम, तो यहाँ पे उनके ऑफिशियल्स बैठा करते थे और सामने पूरी प्रजा जो भी आती थी ना यहाँ पे वो बैठ के उनके प्रॉब्लम से ना राजा को बताया करते थे। तो दिस इज़ द फोरम। उधर साइड में भी सेम है, वहाँ पे है तो वहाँ पे भी बैठा करते थे वो लोग। मतलब जो होते ना दरबारी वगैरह सब ऊपर बैठेंगे, बाद में उनकी लेडीज़ वगैरह है वहाँ पे, लेडीज़ ऊपर बैठती थी। फिर नीचे साइड में जो होते हैं मंत्री वगैरह सब, वो लोग बैठते थे, उन लोगों की प्रॉब्लम सुनते थे। देन उसके बाद जो डिस्कशन वगैरह वो इस जगह पे होता था, जो वो टाइम में हुआ करता था। बाहर मैंने जो दिखाया आपको वो पब्लिक दरबार है और ये प्राइवेट दरबार। मतलब यहाँ पे राजा और ओनली स्पेसिफिक लोग जो होते हैं ना, स्पेशल लोग, तो उन लोग के लिए वहाँ पे भी वो सिंहासन तो नहीं रखा है, हटा दिया है उसको, हुआ करता था शायद, उन्होंने बताया तो ऑब्वियसली हुआ करता होगा। उसके अंदर जो आर्ट उन्होंने किया है वो पूरा हाथी दांत का बनाया हुआ है। मैं दिखाऊंगा आपको, पहले आप ये दरवाज़ा देख लो, ये दरवाज़ा पूरा है ना सिल्वर का बना हुआ है, पूरा दरवाज़ा सिल्वर का बना हुआ है, पूरा सिल्वर का डोर है। और यहाँ पे जो ये डोर जो दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर जो वाइट वाइट जो दिख रहा है ना आपको, ये हाथी दांत से बनाया गया है इसको, पूरी तरीके से हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया है। दिस वाइट सेक्शन पर लैमिनेशन किया है, लैमिनेशन है बोले तो न्यू टेक्नोलॉजी है, मतलब सेफ्टी के लिए उसको लैमिनेट किया गया है आज के टाइम के लिए। लेकिन पुराने टाइम में जो बनाया है वो लकड़ी के अंदर उन्होंने ना हाथी दांत को ही कटा वटा के डाला है उसको। मतलब क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी है, इट इज़ सेम लाइक पेंटिंग। बाहर आ गए हैं और बाहर है ना यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये जो चीज़ें हैं ना जो दशहरे के टाइम में जो एलिफेंट्स को सजाते हैं, मतलब एलिफेंट्स को गले में हार, फिर सामने माथे के ऊपर जो लगाते हैं और पैरों में देन रोप वगैरह, ये सब यहाँ पे रखी हुई है और इसको रीयूज़ करते हैं लोग हर दशहरे के टाइम में। नॉट मेड अप ऑफ गोल्ड, अगर गोल्ड का होता तो यहाँ पे नहीं रखते ऑब्वियसली इसको, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें रखी हुई है और ये हर दशहरे के टाइम में इसको सजाते हैं। तो हम लोग दशहरे में आएंगे, पक्का आएंगे ये जगह पे, हमको देखना है दशहरे में क्या सीन रहते हैं। रात में आएंगे 7 से 8, देखेंगे इसको लाइट अंधेरे में रात में कैसा दिखता है। बल्ब लगे हुए हैं, मैंने देखा इसके लिए, मैंने पूछा उनको, मुझे क्या लगा मालूम शायद से लगाते रहेंगे, ऑलरेडी लगे हुए हैं तो ये लोग सिर्फ रात में ऑन करते हैं 7 to 8, आएंगे अपन देखेंगे उसको। ये भी बहुत पुराना ही दिख रहा है, कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए अंदर का मैंने कुछ शूट नहीं किया। ये मंदिर 200 साल पुराना है, टेंपल तो मैं जाके आ गया अंदर साइड में, अभी बाहर जाएंगे। टेंपल की इन्फॉर्मेशन मैं ना डाल दूंगा, फोटो आप ना रीड कर लेना पॉज करके। बहुत पुराना है, 1830 में इसको बनाया गया है। लक्ष्मी नारायण स्वामी टेम्पल विच इज़ 1499 AD लिखा हुआ है, तब का बना हुआ है, अमेजिंग। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, गेट भी इसका बहुत, इट्स अ बिग जाइंट डोर, देख सकते हो पुराना टाइम का है। फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, फ़ोटो में ले नहीं सकता अंदर का। टेम्पल से बाहर ये है पीछे टेम्पल, और अभी जा रहे हैं हम लोग हाथी देखने के लिए। तो उन्होंने बताया था आगे जाके राइट लेना है और आपको हाथी मिलेगा। यहाँ पे देखो इसको, मेरे को तो डर लग रहा है इसके पास जा नहीं सकता हूँ। और यहाँ पे भी है 13 है टोटल, 1 2 3 6 है यहाँ पे। और इन्होंने बताया मुझे, यहाँ पे है इनसे पूछा मैंने, तो उन्होंने बताया कि ये ना पुरानी ब्रीड नहीं है, ये पूरे नए है ना, नई ब्रीड है पूरी, राजा के टाइम से जो थे उनके बच्चे उच्चे कुछ भी नहीं है, वो पूरे मर गए। हाँ तो जो थे पूरे उनमें से कुछ भी नहीं है, ये नई ब्रीड है, ये ला के यहाँ पे रखा है। और दशहरे डैम में यही यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं और दूसरे भी आते हैं जंगल से। जो दशहरे डैम में जो आते हैं वो बड़े हाइट में बड़े रहते हैं और वो दशहरे डैम में यूज़ करते रहेंगे शायद, क्योंकि ये जानवर उतना बड़ा तो नहीं दिख रहा है जो 500 किलो का उड़ा सकता है, लेकिन इसके ऊपर वो लुक नहीं आएगा। पूरे जानवरों का महीने का खर्चा है ना 2 लाख रुपये है यहाँ पे, यहाँ पे 6 एलिफेंट्स है। इसके बाद भी जाके आ गए पैलेस में, अभी सामने से आपको दिखाता हूँ, सामने से बहुत चौड़ा दिखता है, धूप बहुत लग रही है। सामने साइड में आ गए हैं, मेरे पीछे पैलेस दिख रहा है आपको,
देखो कितना बड़ा दिख रहा है, सामने से बहुत अच्छा लग रहा है। अभी वहीं पे वॉक करके जा रहा हूँ, धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। आ गए सामने, सामने से ऐसा दिखता है, बहुत सही दिख रहा है और धूप, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा लग रही है। तो कितना लेते हैं अंकल फ़ोटो का? 100 रुपये हो जाएगा एक फ़ोटो का, 100 रुपये लेते हैं। नाम आपका? नाम मुझे शिंग शोंग फ्रॉम जापान। बहुत हो गया, बहुत थकावट हो रही है, बहुत धूप है, बहुत धूप है। देखो अंकल कैसे हो गए हैं धूप में, धूप पे कैसा आ गया, ऐसा कलर, ये ऐसा कलर हो गया, ऐसा कलर हो गया अंकल का। अभी निकलते हैं बहुत जल्दी यहाँ से, बहुत पसीना भी आ रहा है। ओ माय गॉड, तो मिलते हैं अगली जगह पे। अभी निकल रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, शाम में ज़रूर आएंगे यहाँ पे। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय नहीं बोलूँगा, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं थोड़े टाइम के बाद।